जी ये लकड़ी के दो पीस थे, इसको तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे पहले हमने ये ग्लू लगा के छोड़ा था। अब इसका हम टेस्ट कर लेते हैं जी। इसको करें ज़रा खोलें। ज़ोर लगाएं, खुलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की हमारी फॉर्मुलेशन 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड कोल्ड प्रोसेस है वाइट जर्मन ग्लू का। उससे दोस्तों का इसमें इसरार था कि इस पे भी कोई एक वर्किंग अपलोड हो जाए, तो एक प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन और थोड़ी मेहनत तलब एक लंबा प्रोसेस है, और इसमें इंशाल्लाह आपके सामने स्टेप्स हम करेंगे कि कैसे वाइट जर्मन ग्लू का बिज़नेस किया जा सकता है, उसको बनाने के स्टेप्स क्या हैं। तो प्रैक्टिकली तो भी इंशाल्लाह आपको हम डेमोंस्ट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं कि जो स्टेप्स हैं वन बाय वन कैसे इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है, और कैसे बगैर किसी रिएक्टर के, बगैर किसी बॉयलर के अगर हम कोल्ड प्रोसेस से वाइट ग्लू बनाना चाहें वो कैसे। प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन में वेलकम। सबसे पहले 420 ml पानी जो है वो हम इसमें डाल देते हैं, 420 ml पानी। और इसमें हमने ये मैयर जी। अब इंग्रेडिएंट्स को पहले हम वेट कर लेते हैं। सबसे पहले PVA BP 26, ये PVA 62 ग्राम, और ये अब स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। जी ये थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डालना है। PVA इसमें मिक्स होने में टाइम लेगा, इसको कम से कम 1-1.5 घंटा हमें मिक्सर इसके अंदर चलाना पड़ेगा, और तब जाके ये यूनिफॉर्म होगा। और अभी भी ये महसूस हो रहा है कि जैसे नीचे अभी PVA साइड पे बैठा हुआ है। इसको बहरहाल मिक्सर हम चलाएंगे, और वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए वीडियो को पास करके हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, और इसकी और फिर उसके बाद के स्टेप्स इंशाल्लाह आपको हम दिखाएँगे। एंटी फॉर्म लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि इसकी झाग सारी बैठ गई। अब हम मिक्सर को आराम से चला के और इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। जी PVA की मिक्सिंग में जितना टाइम हम देंगे उतनी इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी, उतनी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी यूनिफॉर्म बनेगी। अभी तो इसके अंदर काफ़ी दाना नज़र आ रहा है, और एंटी फॉर्म डालने का हमें फ़ायदा हुआ है कि उसकी ऊपर से हमें फॉर्म झाग सारी ख़त्म हो गई, और एक्चुअल प्रोडक्ट अब हमें बनता हुआ दिख रहा है। PVA के बारे में ये भी है कि अगर हम PVA को ओवरनाइट डिप करके छोड़ दें और फिर मिक्सर के साथ इसको कर लें, तो फिर ये जल्दी भी हल हो जाएगा। अभी भी वैसे हमने इसको टाइम दिया है, तो काफ़ी हद तक अब इसका जो ग्रेन्यूल है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल दिख रहा है, हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ा जा सकता है। लिक्विड मरगाल इसमें हमने 4 ग्राम ऐड करना है, और ये बेसिकली लिक्विड मरगाल एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एक बहुत अच्छा ये बैक्टेरियासाइड और फंजीसाइड है। पेंट्स में एडहेसिव्स की फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होगा। 4 ग्राम हमने डालना है। आइसोथाइजेलोन बेस्ड ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा बैक्टेरियासाइड, फंजीसाइड, और वाटर ट्रीटमेंट की फॉर्मुलेशंस में भी, कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में जो केमिकल्स होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोसाइड के तौर पर इस्तेमाल हुआ होता है। हमने अपनी फॉर्मुलेशन में भी
ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है। इसको जस्ट मिक्स कर देना है अब हमने, और हमें अब ये पीवीए हमें होमोजेनाइज हो गया, उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हालत में। मज़ीद भी इसको अभी ब्लेंड किया जा सकता है जी। पीटीएफ इसके अंदर हमने 41 ग्राम डाला, और फिर पीटीएफ जैसे हमने इसमें ऐड किया तो वो थिक फॉर्म में आना शुरू हो गया हमारा। ये अब ये फील हो रहा है कि इसमें पानी मज़ीद डाला जा सकता है, तो हम इसमें अप्रोक्सीमेट 400 ml पानी और ऐड कर लेंगे, और इसको मज़ीद मिक्सर से अब इसको हल कर लेंगे। ग्लू की थिकनेस अभी भी ज़्यादा है, इसमें मज़ीद हम 500 ml पानी और डाल के इसको भी मज़ीद मिक्स कर लेंगे। जी इस वक्त हमारा प्रोडक्ट इस फेज़ में है, और चूँकि पीवीए जो है उसकी उसको जितना ज़्यादा हम पानी देंगे उतना ज़्यादा अच्छा उसका पेस्ट बनेगा, तो हमने 500 ml वाटर मज़ीद भी इसमें ऐड किया, और हम महसूस कर सकते हैं कि अभी हम इसमें मज़ीद भी पानी डाल सकते हैं। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हमारी ठीक हो जाएगी और कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट की तरफ बढ़ते हैं। डायब्यूटाइल थेलेट जो है DBP, ये इसके अंदर हम डालेंगे। ये अच्छा प्लास्टिसाइज़र है, और इसकी थिकनेस और उसको भी मेंटेन रखेगा कि बाद में किसी स्टेज में इसकी थिकनेस कम ना हो जाए। ये 5 ml, ये अप्रोक्सीमेट ये हमने इसमें डाल दिया। जी एप्रोटोन जो है वो इसके अंदर 50 ग्राम अब हम ऐड कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेट हमने ये इसमें ऐड कर लिया, और अब ये हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट था जो हमने इसमें ऐड किया, और अब इसकी मिक्सिंग है प्रॉपर। जी मिक्सिंग इसकी मिक्सिंग को जितना अच्छा हम टाइम देंगे, प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल रेडी है, और ये फाइनल आपको शेप उसकी हमने दिखा दी कि ये बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन में, और इस वक्त बिल्कुल इसमें कोई दाना भी फील नहीं हो रहा, और चिपक बिल्कुल बेहतरीन ओरिजिनल ब्लू जर्मन ग्लू वाली। और ये एक छोटी सी फॉर्मुलेशन आपके लिए कि इसको अगर छोटे पैमाने पे बनाना है और कमर्शियल लेवल पे करना है तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये एक रनिंग बिजनेस है, और ये सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने हमने बताए। और अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।